इस वीडियो के अंदर हम आपका एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे आपके। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे पेज नंबर 117 पर आपका क्वेश्चन नंबर है 4.1। ये आप इजीली खुद कर सकते हो, तो इसको आप होमवर्क में लिख लेना, इसे आप खुद करोगे। अब आपके हम आते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 117 के क्वेश्चन नंबर 4.2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4.2 के अंदर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें 2 moles आपके रिएक्टेंट कैपिटल ए के रिएक्ट कर रहे हैं 1 mole ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल बी से, और आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 mole आपका कौन से प्रोडक्ट के, ए टू बी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो 2 reactants हैं और एक आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट ए का जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट है वो 2 है, रिएक्टेंट बी का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट आपका 1 है आपका। ठीक है, और आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन भी आपको दे रखा है। आपको दे रखा है रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल में है रेट कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर आपकी 2। तो आप देख सकते हैं इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर आपको आपको ये बता रखा है कि रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में जो आपकी पावर है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर वो है आपकी 1, जबकि रिएक्टेंट बी की जो पावर है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर वो है आपकी 2। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट कैपिटल ए इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैपिटल बी इज 2। और यहां पर आप देख सकते हैं जो ऑर्डर आपका रिएक्टेंट ए का है आपका, यानी कि जो आपका ऑर्डर जो है रिएक्शन का आपका रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में जो है आपका 1 है आपका, वो आपका रिएक्टेंट ए के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट यानी कि 2 से आपका मैच नहीं करता। यानी कि चाहे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट ए का जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट है चाहे 2 हो, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आपका रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, 1 है आपका। सिमिलरली चाहे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट बी का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट 1 हो, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आपका रिएक्टेंट बी की कंसेंट्रेशन की पावर आपकी क्या है, 2 है, यानी कि ऑर्डर जो है आपका इस रिएक्शन का आपका रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में वो आपका क्या है, वो आपका 2 है। ठीक है, तो यहां से हम आपका ये भी कह सकते हैं कि ये जो पावर्स होती हैं आपकी कंसेंट्रेशन टर्म्स की आपके रिएक्टेंट की रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर वो आपकी जरूरी नहीं है आपकी कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट से आपका मैच करें, वो आपकी डिफरेंट भी आपकी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन में आपका किसी भी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके हम आपका नहीं लिख सकते, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट है वो आपके ऑर्डर के उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के ऑर्डर के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता आपका। ठीक है, तो आइए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है और उसके लिए आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है। आपको इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। इधर मैं आपका डेटा लिख रही हूं सारा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶ मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और आपको रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई थी यानी कि टाइम टी इक्वल टू 0 के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब आपकी रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की जो कंसेंट्रेशन थी वो आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी कि रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर आपको दे रखी है 0.1 mole पर लीटर और रिएक्टेंट बी की कंसेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर आपको दे रखी है 0.2 mole पर लीटर। यानी कि जब आपकी जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस पॉइंट पर आपका रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी की जो कंसेंट्रेशन है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है, आपको जो निकालनी है सबसे पहले आपको निकालना है रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी इक्वल टू 0 के ऊपर, ये आपको निकालना है। यानी कि आपको इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, वो
ऑफ द रिएक्शन जब आपकी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, यानी कि इनिशिएट हुई है। तो जब आपकी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई होगी उस टाइम पर आपका जो टाइम होगा उसको हम आपका क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन है वो आपकी क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो ये हमें आपका निकालनी है और साथ में आपको 30 सेकंड्स के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी ये भी आपको निकालनी है। तो 30 सेकंड्स के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी उसे मैं स्मॉल आर और सबस्क्रिप्ट में टी से आपका रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये मुझे आपका निकालनी है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन मुझे आपका 30 सेकंड्स के बाद आपको जो निकालनी है उसको मैंने स्मॉल आर और सबस्क्रिप्ट टी से आपका रिप्रेजेंट किया है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि वो मुझे निकालनी है। तो 30 सेकंड्स के बाद आपकी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन क्या होगी वो आपको ऑलरेडी पता है। 30 सेकंड्स के बाद आपकी आपके रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन है वो है आपकी 0.06 मोल पर लीटर है आपकी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी एट टाइम टी 30 सेकंड्स के ऊपर, यानी कि 30 सेकंड्स के ऊपर आपकी रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, लेकिन 30 सेकंड्स के ऊपर आपकी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है विच इज इक्वल्स टू 0.06 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये अब हमें आपका आपका क्वेश्चन को आपका सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपका पहला पार्ट आपका करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर आपको बोला जा रहा है इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आप बताओ। इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्शन की रेट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पर, ठीक है। तो हमारी रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं आपका टी सेकेंड्स के टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स के लिए अगर मैं आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका आर रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पे, वो किसके इक्वल होगी आपकी, वो इक्वल में होगी रेट कॉन्स्टेंट के, रेट कॉन्स्टेंट स्मॉल के इक्वल होगी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पे उसकी पावर वन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स की पावर आपकी टू। तो यानी कि मैंने आपका रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पर निकालने के लिए मैंने रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स आपका पुट किया। तो उसके लिए मैंने आपका रेट ऑफ द रिएक्शन के सबस्क्रिप्ट में मैंने टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड लिखा विच इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के को मैंने एज इट इज लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को भी मैंने एज इट इज लिखा, बस इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स लिख दिया और इसके सुपरस्क्रिप्ट में यानी कि पावर में आपका वन एज इट इज आपका रेट लॉ से कॉपी कर दिया। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को भी मैंने एज इट इज लिखा, उसकी जो पावर टू थी वो भी मैंने आपकी एज इट इज लिखी, बस सबस्क्रिप्ट में मैंने आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स आपका लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स के ऊपर यानी कि इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए अब मैं आपकी राइट हैंड साइड की ये सारी वैल्यूज पुट करूंगी आपकी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पे यानी कि इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए अब मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूंगी। तो सबसे पहले आता है आपका रेट कॉन्स्टेंट, तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶ आपको गिवन है मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो आपको गिवन है 0.1 मोल पर लीटर, वो हमने आपकी लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पे आपको गिवन है 0.2, तो हम आपका लिखेंगे 0.2, लेकिन क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर है तो यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जो होगी उसका हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपका इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी कैलकुलेट करके आएगी 8 × 10⁻⁹, और साथ में आपको रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट लिखनी है जो कि होती है किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन
टाइम की यूनिट, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम को मैं सेकंड्स में ले रही हूँ और कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर के अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है। और ये हमें ऐसे भी पता लग रहा है क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू के अंदर आपका टाइम जो है वो सेकंड्स में आ रहे हैं और कंसंट्रेशन जो हमें रिएक्टेंट्स की गिवन है वो मोल पर लीटर में गिवन है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम जो आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट्स होंगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम वो आपकी होंगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन आपका आ गया 8 × 10⁻¹। तो इसको हम आपका यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि हमने आपका ये कैलकुलेट कर लिया है, ये आपका आ गया 8 × 10⁻¹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमने इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम आपका सेकेंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपको ये कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन निकालो एट टाइम टी सेकेंड्स पर। अब आपको रेट ऑफ द रिएक्शन जो निकालना है आपको निकालना है एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर निकालना है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम टी सेकेंड्स पे क्या होगी आपकी, तो हम पहले टी सेकेंड्स के लिए आपकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन होगा वो हम रेट लॉ की हेल्प से पहले लिखेंगे। तो आर की जगह मैं लिखूंगी आर सबस्क्रिप्ट में टी, ये शो करने के लिए कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन मेरी टी सेकेंड्स के लिए है। तो टी सेकेंड्स पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल होगी मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए की पावर वन, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जो लेंगे वो हम आपकी टी सेकेंड्स पर लेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को एज इट इज लिख दिया, उसकी पावर टू को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो आएगी वो आपकी एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर आएगी, ठीक है। तो यानी कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन टी सेकेंड्स के ऊपर आपका क्या होगा, वो होगा रेट ऑफ द रिएक्शन एट टी सेकेंड्स इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल ए एट टी सेकेंड्स की पावर वन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल बी एट टी सेकेंड्स की पावर आपकी टू, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा। तो यानी कि अगर मुझे ये राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज पता है तो मैं आपका इजिली रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स के ऊपर निकाल सकती हूँ। तो राइट हैंड साइड पे मुझे रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू गिवन है, इट इज प्रोवाइडेड टू यू। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल ए एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर आपको ऑलरेडी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टी सेकेंड्स इज 0.06 मोल पर लीटर, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर आपको प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये वैल्यू मुझे नहीं पता, और जब तक मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर अगर मुझे नहीं पता लगेगी तो मैं आपका रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स के ऊपर आपका कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है आपका, मेरा सबसे पहला काम है आपका कॉन्सेंट्रेशन बी की आपका निकालना, यानी कि रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालना टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर। ये अब मेरा आपका सबसे पहला काम है। तो अगर ये मुझे पता लग जाए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर मुझे पता लग जाए, तो मैं आपका इजिली रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स के ऊपर आपका कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी टी सेकेंड्स पे निकालने के लिए अब मैं दोबारा से आपका ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन को कंसीडर कर रही हूँ। तो मैं दोबारा से ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन को ले रही हूँ जिसमें 2A B के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना रहा है, A टू B बना रहा है, ठीक है। और मैं इसका सारा डेटा आपका, इस रिएक्शन का सारा डेटा मैं यहां से आपका क्या करूंगी, कॉपी करूंगी, यानी कि टाइम T इक्वल टू 0 सेकेंड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है वो हम लिखेंगे। तो टाइम T इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है आपकी, रिएक्टेंट A है आपकी 0.1 मोल पर लीटर, तो मैंने यहां पर 0.1 लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे क्या है आपकी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर आपको दे रखी है 0.2 मोल पर लीटर, तो वो हमने आपकी लिख दी, ठीक है। अब है आपका टी सेकेंड्स के ऊपर आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए क्या है आपकी और कैपिटल बी क्या है वो हम आपकी लिखेंगे। तो टी सेकेंड्स के बाद आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए टी सेकेंड्स के बाद है आपकी, ये आपकी दे रखी है 0.06 मोल पर लीटर, तो ये हो गई आपकी 0.06 मोल पर लीटर।
कंसंट्रेशन ऑफ बी कैपिटल बी आफ्टर टी सेकेंड्स, यानी कि टी सेकेंड्स के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी आपकी क्या होगी, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालनी है। अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ बी टी सेकेंड्स के ऊपर अब मुझे पता लग जाए, जिसको मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है, अगर ये मुझे आपका पता लग जाए तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ बी टी सेकेंड्स पर आपकी पुट कर दूंगी और आपका इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपका रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स पे आपका कैलकुलेट कर पाऊंगी। तो अब रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स पे कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन ऑफ बी टी सेकेंड्स पे, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे आपकी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी टी सेकेंड्स पे निकालने के लिए पहले हम आपका निकालेंगे कितना अमाउंट मेरा रिएक्टेंट कैपिटल ए का एक टी सेकेंड्स के अंदर आपका रिएक्ट कर गया है। तो अब हम आपका देखेंगे कि कितना अमाउंट मेरा कैपिटल ए रिएक्टेंट का टी सेकेंड्स के अंदर आपका रिएक्ट कर गया है। तो वो आपका क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, वो उसमें से अभी जितना आपका रिएक्टेंट का अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए में से अब जो आपकी टी सेकेंड्स के बाद जो आपकी कैपिटल ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो माइनस कर देंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा कितना अमाउंट रिएक्टेंट ए का क्या कर गया है, रिएक्ट कर गया है, है ना। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए रिएक्टेड विल बी इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल ए माइनस जो आपका रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन आपकी टी सेकेंड्स पर है वो। तो इनिशियल में से जितनी अब है आपकी वो माइनस कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आपका रिएक्टेंट ए आपका रिएक्ट कर गया है, ठीक है। सो अब हम आपका निकालेंगे सबसे पहले अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए रिएक्टेड इन टी सेकेंड्स, तो आपका किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स के ऊपर माइनस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन जो आपकी टी सेकेंड्स पर है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पर है 0.1 और टी सेकेंड्स के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन है 0.06। तो 0.1 में से 0.06 माइनस कर देंगे, तो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पे है 0.1, वो मैंने लिख दी। अब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर वो आपकी क्या है, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन टी सेकेंड्स पर आपकी है 0.06, ये लिखेंगे। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.04 मोल पर लीटर, यानी कि 0.04 मोल पर लीटर आपका रिएक्टेंट कैपिटल ए आपका क्या कर गया है, रिएक्ट कर गया है, ठीक है। तो अब आपका मुझे देखना है कि मेरा रिएक्टेंट कैपिटल बी कितना रिएक्ट कर गया होगा टी सेकेंड्स के अंदर। जैसे मेरा रिएक्टेंट कैपिटल ए टी सेकेंड्स के अंदर आपका 0.04 मोल पर लीटर आपका रिएक्ट कर गया है, वैसे ही मुझे निकालना है कि मेरा रिएक्टेंट कैपिटल बी आपका टी सेकेंड्स के अंदर कितना रिएक्ट कर गया होगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे आपका निकालना है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी रिएक्टेड इन टी सेकेंड्स। तो टी सेकेंड्स के अंदर मेरा कितना अमाउंट कैपिटल बी रिएक्टेंट का रिएक्ट कर गया होगा, वो किसके इक्वल होगा आपका, जैसे रिएक्टेंट ए का मेरा अमाउंट आपका जो रिएक्ट कर गया है टी सेकेंड्स के अंदर वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए एट टाइम टी के इक्वल है, उसी तरीके से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी रिएक्टेड इन टी सेकेंड्स किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर। तो सेम मैंने फॉर्मूला आपका रिएक्टेंट कैपिटल बी के लिए लिखा है, जो आपका मैंने ऊपर रिएक्टेंट कैपिटल ए के लिए मैंने आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल ए रिएक्टेड इन टी सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर के इक्वल है, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी रिएक्टेड इन टी सेकेंड्स इज इक्वल में है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टी सेकेंड्स के इक्वल होगा आपका, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पर हमें ऑलरेडी पता है, वो आपको क्या पता है, वो आपको गिवन है 0.2,
क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. किसकी इक्वल है आपकी, वो 0.2 के इक्वल है. तो यानी कि ये जो अमाउंट होगा आपका रिएक्टेंट बी का जो टी सेकेंड्स के अंदर रिएक्ट कर गया होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 0.2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी सेकेंड्स के ऊपर. ठीक है, तो मैंने सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो सेकेंड्स की वैल्यू मैंने यहां पर आपकी पुट कर दी है. अगर मुझे किसी भी तरीके से ये वैल्यू आपकी पता लग जाए, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी रिएक्टेड इन टी सेकेंड्स, अगर मुझे यहां पर ये पता लग जाए वैल्यू, तो मैं आपका इजिली कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी के ऊपर आपका निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपका ये लेफ्ट साइड मुझे चाहिए होगी, यानी कि मुझे चाहिए होगा आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी रिएक्टेड इन टी सेकेंड्स. तो इसके लिए मैं आपका आप दोबारा से इस केमिकल इक्वेशन को कंसिडर करूंगी. ठीक है, तो इसके लिए हम आपका स्टोशियोमेट्रिक मेथड आपका कंसीडर करेंगे. तो इस स्टोशियोमेट्री से आपको पता लग रहा है कि दो मोल्स कैपिटल ए रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं एक मोल कैपिटल बी रिएक्टेंट से, है ना. तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि अगर इस केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका रिएक्टेंट कैपिटल ए की कंसंट्रेशन में दो मोल्स की कमी आएगी, तो रिएक्टेंट कैपिटल बी की कंसंट्रेशन में एक मोल की कमी आएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि अगर मेरा रिएक्टेंट कैपिटल ए दो मोल्स रिएक्ट करेगा, तो मेरा रिएक्टेंट कैपिटल बी एक मोल रिएक्ट करेगा. तो इससे हम आपका देख सकते हैं कि रिएक्टेंट बी मेरा कितना आपका रिएक्ट कर रहा है, जितना आपका रिएक्टेंट ए रिएक्ट कर रहा है उससे जस्ट आधा रिएक्ट कर रहा है. यानी कि अगर कैपिटल ए दो मोल्स रिएक्ट कर रहा है, तो मेरा आपका कैपिटल बी मेरा एक मोल रिएक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कितना अमाउंट रिएक्टेंट कैपिटल बी का रिएक्ट करेगा वो मेरा क्या होगा, जस्ट आधा होगा मेरा जितना अमाउंट मेरा कैपिटल ए रिएक्टेंट का आपका रिएक्ट कर रहा होगा उससे. तो अब क्योंकि मेरे को आपका टी सेकेंड्स के अंदर पता है कि मेरा कितना कितना अमाउंट मेरा रिएक्टेंट कैपिटल ए का रिएक्ट कर गया, वो है आपका 0.04 मोल पर लीटर. तो मेरा इन टी सेकेंड्स में मेरा बी कितना रिएक्ट कर गया होगा, वो आपका जितना ए रिएक्ट कर गया है आपका टी सेकेंड्स से टी सेकेंड्स के अंदर, उससे क्या होगा, जस्ट आधा होगा. क्योंकि टी सेकेंड्स के अंदर रिएक्टेंट कैपिटल ए आपका 0.04 मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट बी मेरा कितना रिएक्ट कर गया होगा, 0.04/2 यानी कि 0.02 मोल पर लीटर आपका टी सेकेंड्स के अंदर आपका कैपिटल बी आपका रिएक्ट कर गया होगा. तो इस 0.04/2 की जगह पे मैं आपका लिख रही हूँ 0.02. तो यानी कि 0.02 मोल पर लीटर मेरा रिएक्टेंट कैपिटल बी आपका रिएक्ट कर गया है कितने सेकेंड्स के अंदर, टी सेकेंड्स के अंदर. क्योंकि रिएक्टेंट ए जो मेरा रिएक्ट किया है टी सेकेंड्स के अंदर, वो 0.04 मोल पर लीटर है, तो रिएक्टेंट बी उससे आधा रिएक्ट किया होगा. तो यानी कि ये अगर 0.04 है, तो रिएक्टेंट बी आपका कितना होगा, 0.02 मोल पर लीटर होगा. तो यानी कि रिएक्टेंट बी आपका टी सेकेंड्स के अंदर कितना रिएक्ट कर गया है, वो आपका है 0.02 मोल पर लीटर, और वो किसके इक्वल है, 0.2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी के इक्वल है. इसको रीअरेंज करेंगे तो मेरी कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी क्या निकल आएगी, 0.2 माइनस 0.02, तो ये इक्वल में आ जाएगी 0.18 मोल पर लीटर के इक्वल आ जाएगी. तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल बी एट टाइम टी आपकी क्या आ गई, 0.08 मोल पर लीटर आ गई. तो इसकी जगह पर मैं आपका लिख दूंगी, ये आ गई आपकी 0.18 मोल पर लीटर. अब हम इस कंसंट्रेशन ऑफ बी की इस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी की वैल्यू को हम आपका पुट कर देंगे इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर, ताकि हम रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स में आपका कैलकुलेट कर सके. ठीक है, तो अब हम आपका रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स पर कैलकुलेट करेंगे. तो रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स पे किसके इक्वल होगी, रेट कांस्टेंट के. तो रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 2×10⁻⁶, वो आपका हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए एट टाइम टी. तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल ए एट टाइम टी आपको गिवन है 0.06, तो ये हो गया 0.06^1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी एट टाइम टी की पावर आपका क्या है, स्क्वायर है. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल बी एट टाइम टी जो मैंने अभी कैलकुलेट किया वो क्या है, 0.18 मोल पर लीटर. तो ये हो गया 0.18 मोल पर लीटर का स्क्वायर. तो यहां से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन
टी सेकेंड्स पर कैलकुलेट करके आपकी आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी इक्वल आएगी 3.89 इंटू 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन की हमने यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड क्यों लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर में आपकी मेंशन है और रेट कांस्टेंट में आपका सेकेंड यूज हुआ हुआ है, तो इसका मतलब टाइम की यूनिट आपकी क्या है, सेकेंड है। तो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, तो ये हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो विद दिस आपका ये वाला क्वेश्चन ओवर हो गया। हमें रेट ऑफ द रिएक्शन निकालनी थी टी सेकेंड्स के ऊपर, जो आपकी आ गई 3.89 इंटू 10 की पावर -9, तो ये हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन टी सेकेंड्स पे आपकी कैलकुलेट हो गई हमारी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 पर। अब हमारा आएंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर 4.3 एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का, इसका पेज नंबर मैं आपको अभी बता देती हूँ कि 4.3 ये आपका है पेज नंबर 117 पर। तो पेज नंबर 117 पर आपका 4.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम के सरफेस पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपको बोला जा रहा है अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम के सरफेस पे, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन क्या होगा आपका, अमोनिया डिकम्पोज करके आपका नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस आपकी बनाएगी है ना, इसको बैलेंस कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2 अमोनिया और यह आ जाएगा यहां पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अमोनिया गैस आपकी प्लैटिनम के सरफेस पे डीकम्पोज करके आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैस बनाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करना। तो हमने आपका पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो आपका है जीरो, यानी कि एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, जीरो, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो। और आपको बोला जा रहा है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ रेट कांस्टेंट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -4 पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। और आपको बोला जा रहा है कि इस आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहां लिख देती हूँ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन होगी आपकी चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आपकी क्या होगी, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम टेकन, और ये आपको निकालनी है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है जब भी हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाला या रेट ऑफ प्रोडक्शन वाला कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा सबसे पहले आप रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, सो रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन अगर हम यहां से लिखें तो आपका क्या आएगा, आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन अगर हम अमोनिया की टर्म्स में लिखेंगे तो आपका क्या होगा, -1/2 चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम टेकन। और सेम यही रेट ऑफ द रिएक्शन आपका किसके इक्वल होगी, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में लिखेंगे तो ये इक्वल में होगी आपकी चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टाइम टेकन, और ये किसके इक्वल होगी, 1/3 चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब रेट ऑफ द रिएक्शन को हम अमोनिया के डिसअपीयरेंस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं।
तो हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में आपका रेट ऑफ द रिएक्शन चाहिए, अमोनिया की टर्म्स में नहीं चाहिए, तो इसको मैं आपका हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं आपका यहाँ लिख देती हूँ कि रेट ऑफ द रिएक्शन आपका किसके इक्वल है, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन विच इज अपॉन टाइम टेकन विच इज फर्दर इक्वल टू 1/3 टाइम्स चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम टेकन। तो हमने रेट ऑफ द रिएक्शन को रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की टर्म्स में लिख दिया। रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन पता लग जाए तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं दोनों फॉर्मूले को अलग अलग लिख रही हूँ। पहला फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन मेरा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल है। दूसरा फॉर्मूला हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन मेरा 1/3 टाइम्स आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो हमने क्या किया, क्योंकि मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकालना था, इसलिए मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में लिखा, यानी कि प्रोडक्ट्स की टर्म्स में मैंने आपका रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया। अब मेरा पूरा का पूरा टास्क इस चीज पे अब मेरा फोकस हो गया है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम कि मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। अगर रेट ऑफ द रिएक्शन पता लग जाएगा तो हम इजिली रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको गिवन है जीरो, यानी कि एन की वैल्यू आपको गिवन है जीरो। तो अगर हम यहाँ पर रेट लॉ का एक्सप्रेशन अप्लाई करें तो वो क्या होगा आपका, वो होगा रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है आपका, अमोनिया, तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका क्या है, जीरो। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि अमोनिया की पावर आप टू तो लिखोगे नहीं क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको जीरो दे रखा है ना। और मैंने आपको बताया था ऑर्डर की वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो आपका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट के इक्वल हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ऑर्डर की वैल्यू आपकी जीरो है जबकि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट आपका अमोनिया का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपका क्या है, टू है आपका। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो है तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में अमोनिया की कंसेंट्रेशन की पावर भी आपकी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट की जो पावर होती है, रिएक्टेंट की यानी कि कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म की जो आपकी पावर होती है वो आपकी ऑर्डर होती है। तो ऑर्डर क्योंकि जीरो है तो इसलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसी की भी पावर जीरो होने का मतलब क्या है, वो वन हो गया। तो अमोनिया कंसेंट्रेशन की पावर जीरो होने का मतलब है ये वन हो गया। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। और रेट कांस्टेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 2.5 × 10⁻⁴। तो यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन आपको क्या गिवन है, एक तरीके से 2.5 × 10⁻⁴। ठीक है, ये आपको रेट ऑफ द रिएक्शन आपको क्या है, प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपको पता लग गई है तो फॉर्मूला नंबर वन और फॉर्मूला नंबर टू यूज करके आप रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले नंबर वन के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या है आपका, वो आपका वही है जो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो जो मेरी ये रेट ऑफ द रिएक्शन आई है यही मेरी क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हो गई मेरी मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यही मेरी क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल हो गई मेरी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ये तो मैंने आपका क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल में क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल है। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर टू के अकॉर्डिंगली अगर हम आपका देखें तो सबसे पहले मैं आपका रेट ऑफ द रिएक्शन को लिख देती हूँ आपका, कि रेट ऑफ द रिएक्शन हमारी कैलकुलेट करके क्या आई है, रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी आई है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन आई है और यही मेरी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन है। तो हमने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी आपका कैलकुलेट कर लिया, जो आपका क्या है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो हमारे यहां से फर्स्ट फॉर्मूला आपका खत्म, ठीक है। और रेट ऑफ द रिएक्शन का ये वाला एक्सप्रेशन भी हम आपका हटा रहे हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ द रिएक्शन से मतलब था जो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें आपका फॉर्मूला नंबर टू यूज करके रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी, तो ये किसके इक्वल होगा, थ्री टाइम्स आर के इक्वल होगा, है ना। तो इसका मतलब थ्री मल्टीप्लाइड बाय आर किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगा। तो क्लास एक चीज यहाँ पे ध्यान से देख लो, जो हमने यहाँ पर 1/3 लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का कोफिशियंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, वो आपका 3 है। और अगर सपोज करो मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस ना किया होता तो आप तो रेट ऑफ द रिएक्शन को रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ही लिख देते, है ना, क्योंकि आपको इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ही ना पता होता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब भी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन, आपको इस तरीके से आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की फॉर्म में जब भी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखनी है, चाहे आपको वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखनी हो, चाहे वो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट की टर्म्स में आपको लिखनी हो, ठीक है, तो आप हमेशा सबसे पहला काम क्या करोगे, अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। क्योंकि अगर आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपको ये आगे के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं पता लगेंगे, तो आप रेट ऑफ द रिएक्शन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट से आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहां से हमारा आपका ये आ गया, इसका भी खत्म हो गया पर्पस, ठीक है। अब थ्री मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अब हमने क्या कर दिया, हमने रेट ऑफ द रिएक्शन का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। रेट ऑफ द रिएक्शन हमारी क्या थी, 2.5 × 10⁻⁵, तो ये मेरा आपका क्या आ गया, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आएगी, जो भी ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, मैंने कैलकुलेट नहीं कर रखी आपकी, तो यानी कि आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी आपने कैलकुलेट मतलब निकाल लिया, वो क्या हो गया, 3 × 10⁻⁴, ये आपका है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो साथ में मैंने आपका ये लिख दिया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन 3 × 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो विथ दिस मेरा आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया, क्योंकि मुझे आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन बताना था और हाइड्रोजन बताना था, वो मैंने आपका कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 4.4 पर, ठीक है, बाक एक्सरसाइज का पेज नंबर 117 पर। बैक एक्सरसाइज के पेज नंबर 117 पे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4.4। इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है रेट इज इक्वल में है रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ CH3OCH3 की पावर 3/2, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपका दे रखा है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है CH3OCH3, ये आपका एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है आपका डाइमिथाइल ईथर। तो आपको बेसिकली डाइमिथाइल ईथर का प्रेशर आपको दे रखा है, ये मतलब प्रेशर, इसका मतलब ये है आपका प्रेशर के सब्सक्रिप्ट में जो CH3OCH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर की पावर 3/2, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है कि प्रेशर को हम आपका बार की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर को हम बार की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं और टाइम को हम मिनट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो रेट की और रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि प्रेशर को हम आपका आपको ये बोला जा रहा है कि प्रेशर को हम बार की यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं और टाइम को हम मिनट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो आपको बताना है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट बताते थे आपका,
मैंने आपको बताया था रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, ये हमारी होती है रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट। और मैंने आपको बताया था अगर मेरा गैसेज हो तो उस केस में कंसंट्रेशन की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, प्रेशर लिख देते हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट इस केस में आपकी क्या होगी, क्योंकि गैसेज है आपकी, तो यहाँ पर आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी अपॉन जो टाइम की यूनिट होगी, क्योंकि प्रेशर की यूनिट वो कह रहे हैं बार है और टाइम की यूनिट मिनट है। तो इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर मिनट। तो इसका मतलब जो यूनिट्स आई आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन की वो क्या आई, बार पर मिनट। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन की तो यूनिट हमने निकाल ली, अब हमें रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट के लिए मुझे आपका इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन से क्या आएगा, रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला आएगा रेट अपॉन प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर की पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला आएगा रेट कॉन्स्टेंट का इसी रेट लॉ के एक्सप्रेशन को यूज करके। तो यहां से आप देख सकते हो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होगी, जो रेट की यूनिट है अपॉन जो प्रेशर की यूनिट है उसकी पावर 3/2, है ना। तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, जो रेट की यूनिट है। रेट की यूनिट क्या है, अभी हमने निकाली यूनिट्स ऑफ रेट आपकी क्या आई है, बार पर मिनट आई है। तो हमने आपकी लिख दी बार पर मिनट अपॉन प्रेशर की यूनिट की पावर 3/2। प्रेशर की यूनिट हमारी क्या है, बार है आपकी, तो बार की पावर क्या आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी बार की पावर -1/2 और मिनट की पावर -1। ठीक है, तो इसका मतलब रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट आपकी क्या आ गई, यूनिट्स ऑफ जो रेट कॉन्स्टेंट की के की आपकी यूनिट आ गई वो आपकी क्या आ गई, बार की पावर -1/2 और मिनट की पावर -1। तो यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट यानी कि के की यूनिट हमने आपकी अब कैलकुलेट कर ली। सो विद दिस आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4.6। 4.6 है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पेज नंबर 118 पर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। और ये आप होमवर्क में कर सकते हो क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपका लास्ट वीडियो के अंदर आपका लिया है। ठीक है, तो उसी पैरेलल लाइंस पे आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में आप कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के आपके ओवर हो गए हैं। और अब हम आपका आगे का टॉपिक आपका कंसीडर करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, सो विद दिस मेरा ये वाला वीडियो आपका यही ओवर होता है।